अस्पताल का मामला पंचायत समिति सभागार में आम बैठक में गूंजा। अव्यवस्थाओं को लेकर भड़के सांसद कनकमल कटारा। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आज पंचायत समिति के सभा भवन में सांसद कनकमल कटारा, प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, उपखंड अधिकारी यतिन्द्र पोरवाल, तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा और विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी सहित उप प्रधान नरेश पाटीदार के आतिथ्य में संपन्न हुई। ब्लॉक CHMO डॉक्टर पंकज खांट ने सागवाड़ा ब्लॉक में पादरड़ी बड़ी नया गांव सामलिया और वर्धा में नई PSC खुलने की जानकारी देते हुए विभागीय जानकारी दी, जिस पर सदस्य भड़क उठे और बोले कि सागवाड़ा राजकीय चिकित्सालय में सरकारी डॉक्टरों ने अपने निजी क्लिनिक खोल रखे हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट को सीरियस बताकर जबरन रेफर कर देते हैं, बाद में निजी अस्पताल में आकर स्वयं उनका उपचार करते हैं, जिस पर जिला परिषद सदस्य रेखा रोत ने बताया कि कुछ समय पूर्व वे स्वयं अपने एक रिश्तेदार की प्रसूति को लेकर अस्पताल में आई थी, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना बताते हुए रेफर कर दिया। बाद में नगर के एक निजी अस्पताल में जाने पर उसी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नदारद रहते हैं, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सांसद कटारा ने सरकारी अस्पताल में सफाई व्यवस्था खराब बताते हुए नाराजगी जताई और कहा कि अगर ठेकेदार द्वारा ढंग से काम नहीं होता है तो उसे हटा दो। लोक निर्माण विभाग के जयन को सांसद कटारा ने यह कहकर बैठा दिया कि आप मीटिंग में आने को किसने कहा था, अयन या जयन को बुलाओ। उन्होंने कहा कि कोई सक्षम अधिकारी बैठक में नहीं आता है तो आने वाली बैठक में इस बात का ख्याल रखा जाए कि सक्षम अधिकारी के नहीं आने पर उसी विभाग के दूसरे कर्मचारी को यहां नहीं बैठने दिया जाए। साधारण सभा की बैठक में कई मुद्दों पर जबरदस्त बहस चली। इस दौरान वार्षिक लेखा जोखा भी रखा गया। इस अवसर पर पंचायत समिति के कई सदस्य एवं विभागीय कर्मचारी अधिकारी सहित सागवाड़ा के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा डिलीवरी है सागवाड़ा हॉस्पिटल में होती है, रिकॉर्डेड है पिछले समय का। अब रिकॉर्ड निकालो तो क्या है, दिक्कत दे रहा हूँ लगता है, लेकिन नहीं भी हो तो संबंधित BSC का डॉक्टर ही सागवाड़ा आएगा, ये नियम है। और नहीं आ रहे ना, दो दिन की कमेटी बनती है, इसमें ये व्यवस्था कर देते हैं, तुरंत हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि हम जैसे फोन करें, उसके बाद दूसरा कोई फोन करे, तब जाकर के इसका ये काम हो, ऐसा नहीं। हमारी और सीट जो अभी खोली है, पर उसमें सागवाड़ा का जो बड़ा अस्पताल है और वो वहाँ पर आसपास के सभी डॉक्टर जो वहीं कार्यरत हैं और उन्होंने ड्यूटी में अगर हॉस्पिटल में रहें दीजिए तो बेटर है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ अपना उपस्थिति और साइन करने के लिए जाते हैं, फिर वापस ऑपरेशन के लिए हो चाहे चेकअप करने के लिए हो, वहाँ पे जाके नजरअंदाज करके फिर वापस निकल जाते हैं। आधा घंटा मुश्किल से वहाँ पे अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, तो ये जो स्थिति है उस वजह से अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उसके लिए खतरनाक स्थिति बनी हुई है, और ये तो ये लोगों को और जल्द होगा। ये बात सही है, बात मेरा जो सुनना है ये आपका हॉस्पिटल संबंधित का हो, आपका शिक्षा विभाग का हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में हो, ये जितनी भी छुट्टियाँ देते हैं ना वो टाइम देख रहे हैं, वो 4 बजे का, 5 बजे का, तो 4 बजे अपनी तैयारी पूरी, इसके बाद में कुछ आना चाहिए। एक पशु औषधालय में भी मैंने देखा, लेकिन जो ड्यूटियाँ सही करते हैं इनकी जो काज गिरती है बेचारा, कुछ लोग हैं जो मैनेज कर लेते हैं, और वो पास पास के एक ही गाँव है, जहाँ पर अगर सागवाड़ा तो सागवाड़ा के बाद में मड़कोला में सबसे ज़्यादा होंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।